ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हमारा यहाँ वाला सेंटर का पहला क्लास है CB1 का। ठीक है, CB1 सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें मल्टीपल थिंग्स वी विल स्टडी, लाइक अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो हर एक टॉपिक एक सब्जेक्ट होता था, बट यहाँ पे इन्होंने दे हैव ट्राइड टू गिव यू सम नॉलेज ऑफ फाइनेंस, सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, थोड़ा सा आपको टैक्सेशन का नॉलेज देने का कोशिश किया इन्होंने, तो काफ़ी सारा एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस दे हैव कवर्ड, राइट। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए है क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क और व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्वड इन अकाउंटिंग, राइट, अल्टीमेटली आपका काम है इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बनाना, बेसिकली यू वांट टू गेट इनटू द डेवलपमेंट टीम, राइट, सो वहाँ पे यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड क्लेम, क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू कोट द प्रीमियम, राइट, रिस्क एनालिसिस है, फाइनेंस है। सपोज अगर मेरे यहाँ पे कोई एक इवेंट है तो सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि उसका बजट क्या होगा, अब बजट इतना है तो उसका पैसा कहाँ से अरेंज करें, राइट, सपोज यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सेविंग्स, सो द थिंग विच विल कम टू योर माइंड कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट दैट, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस। तो छोटा छोटा एस्पेक्ट्स मैंने बताया, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है। तो CB1 पेपर में एक जो आपको एस्पेक्ट जो हम लोग कवर करवाएंगे दैट इज कॉरपोरेट अकाउंटिंग, राइट, कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, बट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज इन आवर करिकुलम। ठीक है, सो कॉरपोरेट अकाउंटिंग कराएंगे। अब इस कॉरपोरेट अकाउंटिंग में राइट फ्रॉम प्रिपरेशन से लेके इंटरप्रिटेशन मीन्स रेशियो एनालिसिस वो भी आपके करिकुलम में कवर्ड है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस करिकुलम के लिए दैट इज फाइनेंस, जिसको अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, राइट, इट इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर में काफ़ी सारा छोटा छोटा सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देगा। तो इसमें अपने प्योरली फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। इसका जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है विच इज कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू, सो ये तो अपन आपने पढ़ाई है CM1 में, तो काफ़ी सारा टॉपिक्स अपन CM1 से भी रिलेटेड है यहाँ पे। सो एक तो अपन फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में बात करेंगे, राइट, कंपनी को पैसा चाहिए, राइट, कोई भी कंपनी जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सो दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। और दूसरा एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट दैट। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा एस्पेक्ट को बारे में बात करेंगे। दीज आर नॉट ओनली टू एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड खाली ये दो एस्पेक्ट नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। लाइक अगर मैंने कमाया है तो मैं उन प्रॉफिट्स का क्या करूं, आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप अयाशी करके उसको उड़ा सकते हैं या आप उसको बैंक में FD कर सकते हैं, राइट, जो खर्चा कर देगा वो कल के बारे में नहीं सोचता, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कल के बारे में सोच रहा है, राइट, ही इज थिंकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ग्रोथ, बिकॉज तुमने पढ़ा होगा CM1 का सबसे पहला पेपर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे पहला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में मनी एक्यूमुलेट नहीं होता फास्टर रेट से, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है बिकॉज यू गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सो देयर इज द ग्रोथ फैक्टर, दैट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नथिंग अदर देन द ग्रोथ फैक्टर, राइट, सो वो ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। सो अपने फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देयर इज वन स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू टैक्सेशन, ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज आपकी सैलरी है 25 लाख रुपए, सो आप उसको टैक्स आप इवेड नहीं कर सकते, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम,
बट टैक्स प्लानिंग यू कैन डू. यू कैन नॉट सिंपली अर्न एंड डू नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कमाएंगे और आप टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके यहाँ पे रेड हो जाएगी. सरकार जब आपके यहाँ घर आएगी तो देखेगी कि आपके पास इतने सारा सामान है, यू हैव अ ज्वेलरी, कुछ कुछ लोग तो बलियन रखता है, गोल्ड मास, राइट, यू हैव सो मेनी एसेट्स. अभी हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आएगी तो उसको एक एक चीज का हिसाब मिलेगा, एसी, बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, कुछ भी हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी का नहीं है, इज एवरीथिंग अकाउंटेड फॉर. काला धन उसको बोलते हैं जो आप कमाते हो बट उस पर आप टैक्स नहीं देते हो. और आजकल मैं टू बी वेरी प्रिसाइज बोलूं, लोग बहुत कम कर दिए हैं पोस्ट डिमोनिटाइजेशन, पोस्ट कोविड, मतलब एवरीवन पेस टैक्स. टैक्स देने से अच्छा रहता है. आई नो देर इज करप्शन बट स्टिल यू कैन नॉट जस्ट डू नॉट पे टैक्स सिंपली बाई सेइंग कि नहीं हम जो टैक्स दे रहे हैं वो मेरे लिए खर्चा नहीं हो रहा. इफ यू सी द ब्रॉडर एस्पेक्ट, द मनी इज स्पेंट ऑन यू, राइट, द रोड्स आर नॉट क्लीन्ड, ठीक है, गड्ढा है रोड में, पानी भर जाता है मोहल्ले में, राइट, वाटर सप्लाई नहीं है. तो कहीं ना कहीं, कहीं आप घूमने जाते हैं तो बोलते हैं यार इस जगह को मेंटेन नहीं किया गया है. जब बजट सुनते हैं ना आप लोग, बजट आता है उसमें एविएशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सब में पैसा एलोकेट होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. छोटा सोचेंगे कि नहीं मैंने पैसे दिए तो मेरे घर वाली, मेरे घर के बाहर वाली गली पहले ठीक कराओ, ऐसे नहीं होता, राइट. वॉट एवर टैक्स वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट दैट डू नॉट कन्फर यू डायरेक्ट बेनिफिट, इट गिव्स यू इनडायरेक्ट बेनिफिट एज अ लार्ज, राइट. तो सोचने वाले का और देखने वाले का नजरिया होता है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्लियर. सो टैक्सेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, पर्सनल टैक्सेशन के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा बहुत कॉरपोरेट टैक्सेशन के बारे में बताया जाएगा. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डबल टैक्सेशन. सपोज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग अब्रॉड एंड अर्निंग समथिंग, तो अब उसको वहाँ का गवर्नमेंट तो छोड़ेगा नहीं, यहाँ वाला गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगा. सो देर इज सम काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन. सो उसका DTAA एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो वो सब के बारे में भी अपन बात करेंगे. इसके अलावा काफी सारा छोटा छोटा टॉपिक्स है, लाइक कितना फॉर्म ऑफ एंटिटी आपके बिजनेस का. मैं चाहूं तो मैं अकेला भी बिजनेस कर सकता हूं, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट. मैं चाहूं तो हम लोग दो लोग मिलकर भी धंधा कर सकते, दैट इज पार्टनरशिप, राइट. बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का एक लिमिटेशन है, फंड्स आर लिमिटेड. इफ आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ 500 crores, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल. अभी दिल्ली में मैं एक जन से मिला, वो बैंक में काम करता है, वो बंदा खाली एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग देता है. तो उसने मेरे को पूछा आपने फंडिंग कहाँ से ली, मैं बोला हम लोग फंडिंग नहीं लेते हैं. तो बोला आपने जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया कहाँ से किया, मतलब हम हमारे सेविंग से कर रहे हैं. ही वॉज शॉक्ड बाई सीइंग कि आई हैव स्पेंट माई ओन मनी इन टू दिस. हमने एक ओपन किया, यही अगर हमको पैरेलली अगर 100 जगह खोलना रहता तो मेरे पास नहीं थे उतने पैसे. अभी हम लोग फरवरी में, हम लोग 15th of January के बाद हम लोग बॉम्बे में खोलेंगे. तो भाई 15th of Feb और 20 तारीख तक हमारा रेडी हो जाएगा. तो फिर कुछ पैसा आएगा फिर लगा देंगे, ऐसे ही हो रहा है. लेकिन अगर हमको 100 जगह एक साथ प्लान करना है तो मेरे को फंडिंग लेना ही होगा, 100% मेरे को लेना पड़ेगा फंडिंग. बिना फंडिंग ले नहीं होगा काम, ठीक है ना. सो लोग अगर बड़ा धंधा करना है आपको तो आपको और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी. सो देर इज वन स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे,
राइट। तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हियर एंड देयर आर देयर, ठीक है। तो मैं उसको अदर टॉपिक्स बोल दे रहा हूं विच इज नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दीज, ठीक है। सो ये हमारा फोर एस्पेक्ट्स हो गया जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। नाउ देखो, पूरा 100% तो लाइव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैंने दिल्ली में कुछ पढ़ाया है अभी, तो मैं उनको भी बोल के आया हूँ। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट बोथ द टॉपिक्स एवरीवेयर, मतलब दोनों सेंटर में सारा टॉपिक्स कवर करें, बट देर आर सम टॉपिक्स जो आपको वीडियो से करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 9 वाला जो टॉपिक है ना, जो इज प्रिपरेशन ऑफ पीएल बैलेंस शीट्स वगैरह, कुछ कुछ सम्स मैं कराऊंगा, बट आपको चैप्टर 9 से लेके 14 तक आप वीडियो से देखिए, ठीक है। एंड मैं आपको अभी आज मैं आपको थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, राइट। बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस, वी विल स्टार्ट विद दिस, राइट। तो अभी अगेन आई एम गोइंग फोर्थ, हमारा गृह प्रवेश है 5 को, वहाँ जाएंगे तो रहेंगे भी ना। सो वील कम बैक ऑन 8-9, देन पोस्ट पूजा वील हैव रेगुलर क्लासेस। सो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, राइट। सो आप लोग को अभी चैप्टर 9 से लेके 14 तक अराउंड 8-10 वीडियोज हैं, वो देख लीजिए। वेन वी कम बैक देन आई विल डिस्कस रिविजन नोटबुक का, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो सब हम लोग करेंगे। सो वेन यू थिंक ऑफ अकाउंटिंग, राइट, काफी जिनका प्लस टू में अकाउंटिंग था, राइट, जिनका भी प्लस टू में अकाउंटिंग नहीं था, हमारा 3 बेसिक क्लास का वीडियो है, राइट। जो एनी वन हियर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, वेरी गुड। वहां ऑनलाइन में कोई साइंस बैकग्राउंड से है, क्या नाम है, निहारिका, ओके। सो यू जस्ट सी, आपको ना मिलेगा CB1 का जो अनाउंसमेंट है ना, वहाँ पे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो है, 3 वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला एस्पेक्ट जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, वो 30-35% है करिकुलम का। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग IAI से हैं उनको तो MCQ कंपलसरी हो गया है, और 250% मैं श्योर हूं IFOA भी MCQ करेगा इस बार पूरा, CB1, हाँ CB1 CB2, हाँ पूरा MCQ 100%। जैसे अभी 20% CB1 में MCQ है, 80% सब्जेक्टिव है, और CB2 में MCQ का परसेंटेज ज्यादा है, सब्जेक्टिव कम है। IFOA 2025, दिस इज माई 100% गट फीलिंग, 100% MCQ होने वाला है, 100%। पिछला 3 टर्म से वो लोग अनाउंस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, अब की बार वो लोग करेगा ही करेगा, क्योंकि अब IA वालों ने भी MCQ कर दिया उनके पहले, राइट। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट यू कैन कंसिडर, 100% दे आर गोइंग टू डू इट। तो इसीलिए हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और हमारे वहां पर 1800, मेरे को खुद को नहीं मालूम था कितना MCQ डाला है, आई हैव रिसेंटली हर्ड फ्रॉम आवर मेंटर्स, 1800 CB1 में MCQ वी हैव ऑलरेडी पुट, ठीक है। सो आपको उसको सॉल्व करना है, एंड सारे पैटर्न्स में आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे वंस दे अनाउंस, बट इट इज देयर इन द प्लेटफॉर्म। सो चैप्टर बाय चैप्टर यू सी द वीडियो, यू सॉल्व रिविजन नोटबुक एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ सब्जेक्ट में इफ यू गो बाय रिकॉर्डिंग्स, राइट, लाइव क्लास तो करना ही है, आना भी है, उसमें जितना आप लाइव सुनेंगे ना, CB1 पेपर में एक चीज हमेशा याद रखना, आपको नॉलेज चाहिए पेपर लिखने के लिए, जितना ज्यादा आप नॉलेज ले पाएंगे आपके लिए उतना बेटर हो पाएगा, तो वीडियो में वो चीज संभव नहीं है। सो यू कम टू फिजिकल क्लास जितना भी होगा, एंड घर पे भी वीडियो देखना है, ठीक है। जो रिसेंट जो सेप्टेम्बर वाला जो लास्ट बैच का था ना, उसको ट्रीटेड एज प्रॉपर सेट एंड स्टार्ट।
सो हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। अगर आप ये समझ गए ना तो आप अकाउंटिंग कर लेंगे, राइट किसी भी कंट्री में यू कैन डू अकाउंटिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही खाली अकाउंटिंग कर पाएंगे। नाउ बचपन में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग एक कला है, मीन्स अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। वाई व्हाट इज़ एन आर्ट? आर्ट में एक प्रोसेस होता है, राइट एक फॉर्मेट होता है। सो आप जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं देर इज़ अ प्रोसेस, देर इज़ अ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, देर इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो इसलिए अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला जाता है। वाई अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज? बिकॉज वॉट एवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यू जनरेट, बेसिकली क्या होता है कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में, क्या होता है कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में, जो बंदा पैसा लगा रहा है वो अलग होता है, चलाने वाला कोई और होता है। अभी हमने क्या किया, पहले हम यहां थे तो हम ही सब कुछ देखते थे, अभी हम यहां आ गए हैं तो वो हमारा एक ब्रांच है, दैट्स अ सेपरेट एंटिटी, आई कैन नॉट कंबाइन विद दिस पर्टिकुलर एंटिटी, क्योंकि यहां के लोग वहां जाके काम नहीं। तो पैसे मैंने लगा दिए, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, मैंने यहां बंदे रख दिए, अब उनका काम है चलाना। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है, कंपनी में अ ग्रुप ऑफ वेल्दी पर्सन दे कम टुगेदर फॉर अ बिजनेस पर्पस, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, राइट बिजनेसमैन जिसको बोला जाता है, एंड फॉर्मिंग करने के बाद इंडस्ट्री से टॉप टॉप बंदों को वो हायर करती है, एकदम यू आर गुड इन प्रोडक्शन कम विथ मी, यू आर गुड इन सेल्स कम विथ मी, यू आर गुड इन अकाउंटिंग कम विथ मी, यू आर गुड इन फाइनेंस कम विथ मी, यू आर गुड इन एचआर कम विथ मी। इन क्यूमुलेटिवली इन सभी लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो पैसा लगाने वाला नहीं चलाता, यहां पैसे भी मैंने लगाए, चला भी मैं ही रहा हूं अभी तक, लेकिन अब दिल्ली वाला को मैं नहीं चला रहा हूं, क्योंकि आई कैन नॉट बी प्रेजेंट एट टू प्लेसेस। ये बात वही है कि मैंने प्रिंसिपल सेट किए, मेरे ही नॉर्म्स पे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं एस्टैब्लिश कर पाएंगे, देर विल बी एम्बिग्यूटी। बट इन केस ऑफ शेयर होल्डर विच आर बिजनेसमैन एंड कंपनी, देर हैज टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एक्चुअली लीगल, बिकॉज कंपनी का टैक्स कंपनी खुद देती है, ओनर नहीं देता। ओनर को जब वो प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में मिलता है तब ओनर उसको डिविडेंड इनकम टैक्स भी देता है, डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देता है। तो यहां पे दो बार टैक्स लग रहा है, ये नाइंसाफी है। कंपनी ने 100 रुपया कमाया, उस पर 30 रुपया टैक्स दे दिया। तुम देखो एक आम आदमी के हाथ में आता कितना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, 100 रुपये कंपनी ने कमाया उसमें से 30 रुपये टैक्स दे दिया, तो व्हाट इज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? 70। व्हेन दैट 70 गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, सो दैट इज डिविडेंट इनकम, सो दैट डिविडेंट इनकम पे शेयर होल्डर टैक्स देगा। नाउ जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनका स्लैब होता है, जैसे वी आर इन हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट, वी हैव शेयर्स ऑफ आईटीसी, वी हैव शेयर्स ऑफ रिलायंस, वी हैव शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया। जब ब्रिटानिया रिलायंस आईटीसी जब डिविडेंड देती है, सपोज उन्होंने मेरे को 20,000 का डिविडेंड दिया, तो मेरे इनकम में क्लब होगा, मैं ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में हूं। So when I am getting that dividend income of 20,000, I am paying 6,000 tax on that. तो कंपनी जब 70 रुपए मेरे को देगी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से, जब डिविडेंड मेरे को बांटेगी, 70 रुपए मेरे हाथ में आया, that 70 रुपए will get club into my income. On that 70 again I will pay 30% because I am in highest tax paying bracket. तो 70 का 30% कितना होता है? 21. तो व्हाट इज माय नेट कैश फ्लो? ओनली 49.
ओनली 49 रुपीज। अब वो 49 रुपीज को लेके मैं बाजार में गया, सब्जी खरीद रहा हूं, पनीर खरीद रहा हूं, कपड़े खरीद रहा हूं, बिजली बिल पेमेंट कर रहा हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूं, पेट्रोल भरा रहा हूं, ऊबर में जा रहा हूं, सो मेनी थिंग्स आई एम डूइंग, आई एम पेइंग 18% जीएसटी। कुछ कुछ केसेस में 12% है, फूड में रेस्टोरेंट में 5% है, बट लग्जरी में 18% है, ज्वेलरी पे 3% है, सो ऑन एन एवरेज लेट अस अज्यूम 15%। सो 49 को जब मैं स्पेंड कर रहा हूं तो उस पर मैं 15% अगेन टैक्स भर रहा हूं जीएसटी, तो लगभग 6 रुपए समझ लो, नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज, तो 49 से 6 रुपए बाद गया कितना हुआ 43। कमाया कितना था कंपनी ने, किसकी कंपनी थी, मेरी थी, मेरे हाथ से कितना आया 43। ये फैक्ट है भाई। तो अगर आप कोई बच्चा अगर हमसे डिस्काउंट मांगे तो हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब मेरा कमाई का मोर देन 50% गवर्नमेंट ले गया, टेक्निकली स्पीकिंग। अब मैं चाहूं तो मैं इसको बचा सकता हूं, फाइनेंस यही है। कैसे बचाएंगे सर आप, 70 रुपए जो प्रॉफिट है ना उसको मैं बोलूंगा मैं डिविडेंड नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कंपनी को तुम अपने पास रखो, कीप इट विथ योर सेल्फ, यू री इन्वेस्ट द मनी इन टू द बिजनेस अगेन, सो देर इज नो डिविडेंड आउटफ्लो फ्रॉम कंपनी, देर इज नो डिविडेंड इनकम, सो नो टैक्स, नथिंग, राइट। अभी मेरे पास और भी अपना धंधा है जिससे मैं अपना खाना पीना का रोजी रोटी कर लेता हूं, तो अब वो 70 आपको कब वापस मिलेगा, जब मैं एक शेयर बेचूंगा, उसको अपन कैपिटल गेन बोलते हैं। 100 रुपए में मैंने खरीदा था, मैंने 300 में बेचा है, सर 100 का शेयर 300 रुपए हो गए इतना जल्दी, हाँ मैंने तो उठाया नहीं ना पैसा। अगर मैं हर साल पैसा अगर विड्रॉ कर लेता, डिविडेंड ले लेता, तो 5 साल बाद भी शेयर का भाव कितना रहता, 110 120। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मैंने जो कमाया मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, दैट मनी इज इन द बिजनेस इटसेल्फ, द कंपनी हैज रिटेन्ड इट, तो वो 100-300 होगा, ग्रो कर रहा है ना प्राइस, 200 का मेरे को गेन हुआ, वो 200 रुपया पे लेस टैक्स इज देयर, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स। नाउ टेल मी व्हाट यू विल प्रेफर, यू विल प्रेफर टू गेट डिविडेंड नाउ और यू विल प्रेफर टू गेट कैपिटल गेन्स, ऑब्वियसली कैपिटल गेन। लेकिन अगर तुम्हारा यही रोजी रोटी है, आप क्या करते हैं, मैं शेयर मार्केट का धंधा करता हूं, मेरे पास और कोई बिजनेस नहीं है, मेरे को घर का भाड़ा भी देना है, तो इन दैट केस व्हाट यू विल प्रेफर, डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है मालूम है, एक डिविडेंड पॉलिसी बना सकती है कि चलो ठीक है 70 कमाया, इसका 20% अपन बांट देंगे, बाकी 80% रिटेन करेंगे, जिससे शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो डिविडेंड अभी लें कि बाद में लें, उस पर भी टैक्सेशन का इफेक्ट आपको दिखाया है मैंने, ये सब आपके करिकुलम में है। एग्जाम में आप रिवीजन नोटबुक जाके देख लेना, चैप्टर नंबर 18 या 19 होगा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का,
गिव योर पर्सपेक्टिव वेदर यू शुड गेट डिविडेंड नाउ और यू शुड प्रेफर कैपिटल गेन फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. यही लिखना है आपको. एमसीक्यू में उसी हिसाब से क्वेश्चन बना के देगा. हाँ एग्जाम्पल है, तुम नॉर्मल टेक्स्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. पांच पॉइंट पेपर में हम देखा है बच्चा लोग को, बच्चा लोग क्वेश्चन पढ़ रहा है, आंसर पढ़ रहा है, कोई भी पेपर क्यों ना हो. हम लोग एक वी यूज टू मेंटेन वन नोटबुक, वी यूज टू स्क्रिबल लाइक एनीथिंग ऑन दैट नोटबुक. जब भी आप लिखते हैं ना, आपका स्क्रिबलिंग आइडिया होना चाहिए, मेंटालिटी होना चाहिए. मैं पढ़ रहा हूं, ओके ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसे से, मैं उसको लिखते जा रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं लिख भी रहा हूं. आप लोग जो जो पेपर पेपर ये जो लिखते हो कॉपी में, वो डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए. सर लोग तो बोलेंगे थोड़े दिन बाद लैपटॉप वगैरह लेके आओ, बट डे वन से लाओ. थोड़ा सा नोट्स ही तो छूटेगा, वो तो अपलोड हो रहा है डेली. थोड़ा बहुत तो नोट्स ही तो छूटेगा, तो अपलोड हो ही रहा है डेली. प्रॉब्लम कहां है? छूट जाएगा, घर में जाके कॉपी कर लेना. तो अभी से आप लोग को लैपटॉप में ही लिखना चाहिए स्ट्रेट अवे. जो भी मैं बोल रहा हूं सीधा वर्ड में टाइप करो. सीएम वन का भी सर क्लास में पेपर है, सॉल्व करा रहे, लैपटॉप में करो. मैक्स टू मैक्स क्या होगा, थोड़ा स्पीड स्लो होगा, लेकिन जो स्पीड मजबूती आएगी दो महीने बाद, कोई मैच नहीं कर पाएगा उस स्पीड को. ठीक है. सो अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है. अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है. आप जो भी पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, वो आप शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करते हो. तो समझ में आया, कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट है. कंपनी का टैक्स कंपनी देता है. कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस पर भी टैक्स शेयर होल्डर को देना पड़ता है, सेपरेट एंटिटी. पहले कंपनी जो कमाई उस पर टैक्स दे दी कंपनी, अब उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो भी टैक्स लगेगा. कैपिटल गेन पे कम रेट है, कुछ अलाउंसेस भी है कैपिटल गेन पे, बट एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता. एग्जेम्प्टेड इनकम उसको बोला जाता है जिस पार्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लेती है. अकाउंटिंग साइंस भी माना जाता है. तो अकाउंटिंग आर्ट हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज हो गया, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करते हैं. यू कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर, एंड अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर टेक्स डिसीजन की वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और विदड्रॉ मनी एंड पुट समवेयर एल्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर नेट प्रॉफिट. कि आपने ये प्रॉफिट सही तरीके से निकाला है कि नहीं निकाला है. आपके बैलेंस शीट में जो सारे एसेट्स है वो आपके कमाए हुए प्रॉफिट से लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, या आपने लोन में लिया है कि नहीं लिया. कल को सरकार यहां आ जाए, अगर मैं कोई भी एक चीज अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं कि मेरा ये सोर्स कहां से आया है, ये कहां से मैंने पैसे लाए इस एसेट को खरीदने के लिए, सीधा वो उसको सीज कर लेगा. तो सोर्स मालूम होना चाहिए. सो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय सो मेनी पर्संस. इट इज नीडेड बाय शेयर होल्डर, इट इज नीडेड बाय गवर्नमेंट. एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग, बिकॉज जैसे जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा उनका सैलरी बढ़ेगा. सो कहीं ना कहीं इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पर्सन, जिनको अपन स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज शेयर होल्डर, अनदर इज गवर्नमेंट. लेंडर्स, लेंडर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर नेट प्रॉफिट, बिकॉज एवरी ईयर दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट. तो प्रॉफिट होगा तभी ना कंपनी सक्सेसफुली इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी. अगर मान लो मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करूंगा? राइट.
अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस, बिकॉज वेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग देर आर सो मेनी अजम्पशंस विच यू हैव टू टेक, राइट? देर आर सो मेनी अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, रूल्स, प्रिंसिपल्स, राइट? साइंस में भी ऐसा ही होता है. तो इसके बेसिस पे अकाउंटिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इसके बिना अकाउंटिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है. ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज किया गया, राइट? गवर्नमेंट ने किया, जिसको अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. सब कंट्री का अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इंडिया हैज इट्स ओन, यूएस के पास अपना है. हर कंट्री में देर इज अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी. लाइक इन आवर कंट्री वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इन यूएस वी हैव AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ठीक है, मेरे पास दोनों जगह के पास का लाइसेंस है. मींस आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएस. जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो मेरे को इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मालूम है, मेरे को यूएस गैप के बारे में भी आइडिया है. यूके इट्स ACCA. रेस्पेक्टिव कंट्री का गवर्नमेंट क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जिम्मेदारी अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी को दे देता है. वो बॉडी फिर एक बोर्ड बनाती है, एक संगठन बनाएगी. वो लोग का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना. बना सरकार ही रही है डेलीगेशन. राइट? भारत ने जंग जीत ली. भारत ने नहीं जंग जीती, भारत के सिपाहियों, इंडियन आर्मी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन कॉन्सेप्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, ये बहुत जरूरी था. व्हाट हैपेंड, ये अपना रूल बना के अकाउंटिंग कर रहा है, ये मैडम अपना रूल बना के अकाउंटिंग कर रही है, वो सर अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं. सब अकाउंटिंग का रूप रेखा हर इंसान के लिए अलग अलग होने लगा. इससे क्या प्रॉब्लम आएगा? कंपैरिजन, कंपैरेबिलिटी विल बी द इश्यू. हम लोग को मार्कशीट मिलता है, वो मार्कशीट के बगल में हाईएस्ट मार्क्स लिखा रहता है. हाँ, वो रिपोर्ट कार्ड लेके हम घर आते हैं, हमारे पेरेंट्स मार्क्स को कंपेयर करते हैं. तुझे आए 54, शर्मा जी को लड़के को आए 84, 30 का गैप है. ऐसा ही तो होता है ना. दिस इज हाउ यू कंपेयर. तो स्टैंडर्डाइजेशन, और हर कंपनी को दूसरे कंपनी का परफॉर्मेंस कंपेयर करना पड़ेगा. परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं करने से कैसे चलेगा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टैंडर्डाइज हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, सब कंट्री के पास अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी को बोलती है, वो फिर एक बोर्ड बनाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है. काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी नहीं है. जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ICAI जैसा, AICPA जैसा,
राइट, बॉडी नहीं है, तो वहां की सरकार क्या करेगी? वहां की सरकार क्या करती है? एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, राइट। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है जिसका अभी कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स का नाम IFRS हो गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो या तो आप अपना फॉलो करिए, अगर आपके पास अपना नहीं है तो IFRS को गोद ले लो। IFRS को गोद ले लो, एक तरीके से अच्छा है, अपना हेडेक नहीं है, बना बनाया हुआ स्टैंडर्ड मिल रहा है, फॉलो करते चलो, अकाउंटिंग करते चलो, रूल्स, इस रूल्स में क्या क्या है वो अपने बात करेंगे, विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इनका मांग है ग्लोबल अकाउंटिंग नेशन, ये चाहते हैं ग्लोबल अकाउंटिंग नेशन। दे वॉन्ट ईच वन शुड फॉलो मी, वेदर दे हैव देयर ओन, वेदर दे डोंट। जिनके पास अपना नहीं है वो लोग तो इन्हीं को फॉलो करेंगे, जिनके पास अपना है उसके साथ ये लोग कन्वर्ज का मैकेनिज्म लेके आया है। इंडिया वालों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया और एक नया AS निकाला, IndAS, इंडिया AS। तो अगर इंडिया का बात करें, अगर इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में एक नॉर्मल AS है और एक IndAS है, ये इनका अपना बनाया हुआ है और ये कन्वर्ज्ड, कन्वर्ज्ड फॉर्म। सर दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इंडिया वाले ने रूल क्या बनाया, कोई भी कंपनी इंडियन सॉइल में अगर ऑपरेट कर रही है वो अपना वाला फॉलो करेगी, कोई भी कंपनी इंडियन सॉइल प्लस फॉरेन सॉइल में ऑपरेट कर रही है वो IndAS फॉलो करेगी। और जिसके पास अपना नहीं है, तुम यहां काम करो चाहे बाहर काम करो फर्क ही नहीं पड़ता, तुमको IFRS ही फॉलो करना है। सेम चीज ये लोग यूएस के साथ भी करने का कोशिश किया था, बट यूएस का अपना ही एक रुतवा है, दे डिड नॉट कन्वर्ज। बट दे सेड वी विल ट्राई टू कीप आवर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एट पार विथ IFRS। हमारे को बहुत समस्या हो गई इससे। पहले हमारा नंबर किसके साथ कंपेयर किया जाता था? शर्मा जी का लड़का के साथ। अब हमारा मार्कशीट किसके साथ कंपेयर हो रहा है? हार्वर्ड के लड़के के साथ। हमारी दिक्कतें और बढ़ गई, राइट? सो दिस इज ग्लोबल अकाउंटिंग नेशन। हालांकि जब आप किसी भी चीज को कन्वर्ज करते हैं, देर बी सम काइंड ऑफ ऑड इवेंट, जिसको अपने कार्विन कार्वाउट बोलते हैं, राइट, वो मेंशन कर दिया जाता है। तो आप ये वाला बात करिए, आप IndAS का बात करिए, आप IFRS का बात करिए, आप US GAAP का, देयर आर सो मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिनेरियोस, यू डोंट हैव टू वरी। तुम कहीं पर भी काम करने जाओ, किसी भी कंट्री में काम करो, तुमको खाली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। 17 से 18 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, अगर तुम इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को याद रखोगे तुम किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग कर सकते हो।
क्योंकि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है। पहले ये कॉन्सेप्ट्स आया, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट, ओनर एंड इट्स बिजनेस आर टू डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज। दोनों अलग अलग हैं, कंपनी अपना समझे, शेयर होल्डर अपना समझे, तो यहां पे डबल टैक्सेशन आ गया, राइट। पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बुक्स में इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यह बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पे मैंने शोरूम बनाया है, मैं रिटेलिंग, यहां से होलसेल, ये मेरा ऑफिस और ये मेरा रेसिडेंस, ठीक है, और इसका रेंट है 80,000 महीना, कैन यू जस्ट टेल मी एक्सपेंसेस हाउ मच? बाय द टर्म एक्सपेंस मीन्स बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, खर्चा कितना? 60,000, 3/4 इज यूज फॉर बिजनेस। भाड़ा 80,000 ही है, लेकिन अपने प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। सो कितना माना जाएगा एक्सपेंस? 80 और 60, बिकॉज 20 इज रिलेटेड टू पर्सनल, पर्सनल एक्सपेंस इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस, बट पेमेंट माइट हैव डन फ्रॉम बिजनेस। पेमेंट इकट्ठा हुआ होगा, या 20,000 तुम अपना पर्सनल बैंक से दे दो, 60,000 तुम कंपनी का अकाउंट से दे दो, ऐसा भी हो सकता है, है ना? 20,000 पर्सनल से दे दो, बाकी 60,000 कंपनी अकाउंट से दे दो, या पूरा 80,000 तुम बिजनेस का अकाउंट से दे दिया, खर्चा कितना दिखाएगा? 60, बाकी 20 को ड्रॉइंग्स माना जाता है। पर हालांकि कंपनी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का एंटिटी अलग है, कंपनी का कोई भी रुपया शेयर होल्डर का पर्सनल नीड्स के लिए यूज नहीं हो सकता। पहले वो शेयर होल्डर को तुम बांट दो एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तब उस पैसे का वो कुछ भी करे, बत्ती क्यों ना लगा दे पैसे को, राइट। तो यहां पे एक्सपेंस 60,000 माना जाएगा। तो सेपरेट एंटिटी समझ में आया, एक्सपेंस इनकम अपन बिजनेस का बात करेंगे, राइट।
जो भी आउटफ्लो इनफ्लो होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा? बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस। इट मींस हम लोग प्रॉफिट बिजनेस का निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट बिजनेस का बन रहा है। माय वाइफ्स ज्वेलरी, क्या वो बिजनेस का बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। कुछ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग राइट, दे मेक टू बैलेंस शीट फॉर देयर क्लाइंट्स, एक बिजनेस का और एक पर्सनल, राइट। चलिए, नंबर टू, प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट। प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा। सपोज करो कोई 6 महीने का प्रॉफिट निकाल रहा है, कोई 9 महीने का निकाल रहा है, कोई पैरिटी नहीं है। कैन यू कंपेयर प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स विद प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स? मैंने 20 लाख कमाया, बोलता मैंने तो 50 कमाया, कौन बड़ा हुआ? 50 वाला। लेकिन अगर मैंने 20 लाख 3 महीने में कमाया, अब कौन बड़ा हुआ? 20 वाला ना, क्योंकि 50 वाला तो 9 महीने में कमाया है। अगर मैं भी 9 महीना काम करता तो 60 हो जाता मेरा। तो अकाउंटिंग पीरियड हैज टू बी फिक्स्ड। तो दिस इज अनदर अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है आप कौन से पीरियड का एक्सपेंस इनकम ले रहे हो, लेंथ क्या है? 12 महीना, हर 12 महीना में आप प्रॉफिट निकालोगे। मैं खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, खरीद रहा बेच रहा हूं, खरीद रहा बेच रहा हूं, खरीद रहा बेच रहा हूं, कोई हिसाब ही नहीं है। राइट, मैं खरीद रहा बेच रहा हूं, मेरे पास हिसाब ही नहीं है। चल जाएगा? There has to be a time frame. इसलिए हर 12 महीने का बुक्स भी अलग अलग होता है। चलो जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च, जैन से दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं, अप्रैल से मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। यूएस में सबको कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, बहुत लोग अक्टूबर से सितंबर फॉलो करता है। जैसे जितना भी मारवाड़ी लोग है सब लोग दिवाली टू दिवाली, उनका एक ईयर होता है, बट इनकम टैक्स देते हुए अप्रैल टू मार्च हो जाता है वो। कुछ भी करो आप, 12 महीना आपका अकाउंटिंग पीरियड है। एंड लोग जो इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं आपको भी वही करना है। सो अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स, राइट, फॉर विच performance is to be measured. ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है सर? बहुत सिंपल है, ये बिजनेस का लाइफ है, बिजनेस का लाइफ, बिजनेसमैन का नहीं बोल रहा हूं। कंपनी फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या? कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होता है। आज ओनर को अगर कुछ हो भी जाए ना, धंधा चलता रहेगा। हालांकि ये गुड्स के केस में हो सकता है, सर्विस में नहीं हो सकता ऐसा। सर्विस में दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ हद तक अगर आप कोई मॉडल बना के गए हैं राइट, तब तक चल जाएगा। लेकिन अगर सर्विस में इंडिविजुअल नहीं रहा,
अगर सपोज मैं ही नहीं रहा तो फिर पढ़ाएगा कौन? गुड्स के केस में धंधा चलता रहता है। हाँ, जो नया आदमी पावर में आएगा उसका डिसीजन मेकिंग से हो सकता है कंपनी माइट गो इन टू रॉन्ग डायरेक्शन, बट इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन। सो बिजनेस का लाइफ जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। तो इन ऑर्डर टू मेजर परफॉर्मेंस वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल 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 इंटरवल। सो दिस इंटरवल इज ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 महीने का इंटरवल है। ये जो इंटरवल है ये 12 12 12 महीने का इंटरवल है। सो 12 महीने का सारा ऑपरेशंस, जिसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं अपन, उसको रिकॉर्ड करो, उसमें से इनकम माइनस एक्सपेंस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली होगा क्या, हाउ हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम फॉर 12 मंथ्स, राइट, माइनस क्लियर। हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब इस साल अगर आप कर रहे हो तो इस साल का इनकम एक्सपेंस लेना है, नेक्स्ट ईयर का जब करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इनकम लेना है। काफी सारा लॉ में, जैसे कंपनीज से रिलेटेड कंपनीज एक्ट होता है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स बनवाया। एक कंपनी को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं है, करता धरता मैं ही है, कुछ अच्छा हुआ मेरा, टैक्स मेरा, समथिंग इज रॉन्ग आई एम गिल्टी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स प्रोप्राइटर खुद देता है, वहां डबल टैक्सेशन नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ फॉर एनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि यहां पे ऐसा लॉ है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कोई लॉ नहीं होता है। पार्टनरशिप का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्यों? दो लोग से, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, अगर कोई फ्रॉड किया तो किसने किया, अगर कोई लाइबिलिटी अनपेड है तो कौन कौन उसको पैसे चुकाएगा, प्रॉफिट कैसे बांटना है, किसको कितना सैलरी मिलेगा। बचपन में पढ़ा होगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, लिखा है ना। कंपनी में ओनरशिप मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स, वहां तो लॉ होना ही पड़ेगा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया की बात करूं तो यूके का भी अपना कंपनी लॉ है, हर कंट्री का अपना कंपनी लॉ होता है। इट्स एन आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे अंकित पटवारी एक नेचुरल पर्सन है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में लिखा है अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा। वैसे बैंक्स के लिए कंपनी लॉ फॉलो नहीं होती है, बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस फॉलो होता है।
तो वहां पर भी लिखा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट, IRDA का रेगुलेशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पर भी लिखा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये काफी सारा लॉ में आ चुका है। अब जब लॉ की बात हो ही रही है तो इस लॉ में लिखा है कि हर कंपनी को अपना अकाउंट्स बनाना है, अपना पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, जिसका फॉर्मेट मैंने इस लॉ में प्रिस्क्राइब कर दिया है, देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एंड आपको ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ये वाला मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाई IASB, ऐसे करके मेंशनड है। अकाउंटिंग सेटर बॉडी कभी नहीं बोलता फॉलो मी, उसने बनाया है। किसको फॉलो करना है ये रेस्पेक्टिव लॉ बताएगा। लाइक कंपनीज एक्ट विल टेल एवरी इंडियन कंपनी विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दे हैव टू ड्राफ्ट देयर अकाउंट्स, दे हैव टू प्रिपेयर देयर पीएल बैलेंस शीट एज पर दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होती है ना, सेटर बोर्ड, उसका काम होता है बनाना। IASB का काम है IFRS बनाना। रेस्पेक्टिव कंट्री का जो कंपनी लॉ है, रेस्पेक्टिव कंट्री की जो सरकार है, वो बोलेगी कि हमारे कंट्री में जितनी भी कंपनीज है उनको अपना अकाउंट्स IFRS के मद्देनजर रखते हुए बनाना है। इंडियन कंपनी सारी बोलेगी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया है उससे बनाना है, और अगर आप फॉरेन सॉइल में भी हैं तो आपको IND AS फॉलो करना है, विच इज कन्वर्ज विथ आवर्स एंड IFRS। गॉट माई पॉइंट? थर्ड, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इस पे पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। अगर किसी को यह समझ में आ गया तो वो अकाउंटिंग सीख गया आज। ये बहुत सिंपल है। आई हैव समथिंग विथ मी, राइट? मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, या तो किसी ने गिफ्ट किया होगा, राइट? या मैंने अपना सैलरी इनकम से खरीदा है, या मैंने किसी का चोरी किया है। हाई प्रोबेबिलिटी, या तो मेरे को गिफ्ट में मिला है, या मैंने कमाए हुए पैसे से लिए, या मैंने चोरी की है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? कहने का मतलब है हर एक रिसोर्स के पीछे एक सोर्स होता है। फॉर एवरी रिसोर्स देयर इज अ सोर्स। ये आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे गुड्स लिया, बदले में आपको पैसे दिए, या मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको बाद में दूंगा उधारी, सोर्स है ना, कहीं से मार के तो नहीं लाया।
तो जब सरकार आपके घर पर आएगी आपको यह एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। रिसोर्स मतलब एसेट, आप उसको यूज करोगे। सोर्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, आज मैं आपको बोल रहा हूं उधार चुकाऊंगा ना कि नहीं, खाली बोलने के लिए उधार बोल दिया, चुकाने के मकसद से नहीं बोला है, तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल। अगर ओनर का सोर्स है तो सर ओनर जो पैसा दिया वो भी आपके लिए लाइबिलिटी, अभी तो बात किया सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक ने जो धंधे में पैसा लगाया धंधे के लिए वो क्या है ऑब्लिगेशन, और बाहर वाला से मांगोगे तो भी वो ऑब्लिगेशन। सो इंटरनल सोर्स इज कैपिटल एंड दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। राइट, हर एक ट्रांजैक्शन में एक सिक्के की तरह हेड एंड टेल दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रिसीविंग एस्पेक्ट और एक होता है गिविंग एस्पेक्ट। राइट, अभी मैं आपको काफी सारा ट्रांजैक्शन दूंगा और अपन देखेंगे कि ये इक्वेशन सही आ रहा है कि नहीं। राइट, अगर ये आ रहा है तो अपन अकाउंटिंग सीख गए हैं, फिर इसी में से अपन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट डेवलप किए हैं। अपन दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक होता है गोल्डन ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशन में अपन पर्सनल रियल नॉमिनल, उसका गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं चार क्लासिफिकेशन करना आपको, एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, वो लाइबिलिटी में ही आ गया। राइट, चलिए कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस 1 लाख, बताओ व्हाट आर यू रिसीविंग? कैश। हैव यू गिवन समथिंग और समवन हैज गिवन? समवन हैज गिवन। हु हैज गिवन दैट मनी? ओनर। सो दैट इज कैपिटल। सो आई कैन राइट हियर कैश 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। सो दिस इक्वेशन इज मैचिंग, यस और नो? सो दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीजिंग, राइट हैंड साइड ऑल्सो इंक्रीजिंग। टुक लोन ऑफ 1 लाख, from Ramesh. Now what will happen? Cash will be 2 lakh. 1 lakh tha na already. Isko bolte financial position is changing day by day. Right? Hamara jo financial position hai wo same nahi reh raha hai. It is changing every day. Subah ghar se jo leke nikla tha, raat mein ghar utna hi leke jaoge kya? It is changing na, right? So cash is 2 lakh. What is capital? 1 lakh. Loan from Ramesh, isko apne loan from Ramesh bol sakte hain. How much? So this is your obligation towards owner.
दिस इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर. ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000. ऑफिस में मैंने फर्नीचर खरीदा है, राइट? सो फर्नीचर मैंने बेचने के लिए खरीदा है कि यूज करने के लिए खरीदा है? तो इट्स अ रिसोर्स, राइट? इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ, भाई एसी चला है, सब गर्म हो जाएगा. So now what is happening? Furniture 50. अब कोई source नहीं है. I am using one of my resource to get another resource. This is simply exchange of resources, right? यहां पे कोई source नहीं है. जरूरी नहीं है हर एक transaction के पीछे किसी का हाथ हो. अपना ही रिसोर्स को देके दूसरा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो कैश इज कैपिटल एंड रमेश स्टॉक खरीदा है मैंने, इसको अपन इन्वेंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यह भी एक रिसोर्स है, इसको बेच के अपन कमाएंगे. सो व्हाट इज द पोजीशन? फर्नीचर कितना? 50. इन्वेंट्री कैश अपन लास्ट में लिखते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने कैश, कैश चेंज नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी मैंने उधार में खरीदा है. तो एक नया रिसोर्स आ गया. अच्छा, कैपिटल कितना? 1,00,000. रमेश को कितना देना है? रमेश को 1,00,000 देना है. और जिससे आप उधार में खरीदते हैं उसको अपन सप्लायर बोलते हैं, वेंडर या क्रेडिटर्स. कितना? देखो मैच करो, हो गया क्या? 50, 60. 1,10 और 1,50, 260. और इधर में भी 1,00,000, 1,60,000, 260 मैच हो गया है. हर ट्रांजैक्शन की बात नहीं, ये मैच होगा, राइट? एंड यू आर सीइंग माय फाइनेंशियल पोजीशन इज कीप ऑन चेंजिंग. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 70,000 इन कैश. सबसे पहले बताना चेंजेस किस में आएगा? इन्वेंट्री में आएगा, कैश में आएगा, फर्नीचर में तो नहीं आने वाला. तो फर्नीचर को एज इट इज लिख देते अपन. फर्नीचर इज 50,000. अच्छा, अभी अपना इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 40,000 से कम हो जाएगा. 40,000 का माल बेचा ना, तो 60 में से 40 चला गया, बचा कितना? 20. कैश 70 आएगा. सर गया 40, आया 70. डोंट यू सी देयर इज अ ग्रोथ इन योर रिसोर्स? आपका रिसोर्स ग्रो किया ना, फॉर्म चेंज हुआ है, बट अल्टीमेटली तो ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? पहले का टोटल क्या था? 50, 60, 150, 260, 50, 20, 220, 290 हो गया. 260 से 290 हो गया. रिसोर्स में बढ़ोतरी. पहले मेरे पास एक घर था,
आज मेरे पास चार घर हैं, तीन घर और खरीदा ना मैंने, पहले मेरे पास बैंक बैलेंस था 2 लाख, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है 20 लाख, 18 लाख बढ़ा ना मेरा बैंक बैलेंस। कहां से आया पैसा, कहां से आया? कोई सोर्स से आया। कौन है वो सोर्स? कमाई आपका, मेरा प्रॉफिट ना, ग्रोथ हुआ है मेरे रिसोर्स में। तो अगर रिसोर्स में ग्रोथ हुआ है मतलब प्रॉफिट है वो, ग्रोथ इन रिसोर्स इज व्हाट? प्रॉफिट। कोई बोलेगा आई एम ग्रोइंग, इट मींस ही इज अर्निंग। कोई बोलेगा मेरा नेटवर्थ बढ़ रहा है, मतलब उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। अरे ओनर को तो 1 लाख देना भी था, अब प्रॉफिट भी देना है। सो व्हाट इज द टोटल ऑब्लिगेशन नाउ फॉर ओनर? कितना? 130। समझ में आया? प्लस रमेश कितना, और क्रेडिटर? क्रेडिटर्स को 60,000 दे दिया तो क्या होगा? फर्नीचर 50, इन्वेंट्री 20, कैश 160, 60 से कम हो जाएगा ना, और इधर में कैपिटल 130, रमेश 100। तो देखो 50 प्लस 20 70 प्लस 130 हो गया। मैंने 10,000 सैलरी दे दी, फर्नीचर एज इट इज रहेगा 50, इन्वेंट्री 20, कैश 150। कैश कम हो गया ना, अब सैलरीज क्या खर्चा? तो प्रॉफिट का हकदार कौन था? ओनर। तो खर्चा कौन देगा? समझ गया ना। अल्टीमेटली अपन रियल लाइफ में क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस करके नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, हर एक इनकम अलग अलग ऐड हो रहा है, सारा खर्चा अलग अलग माइनस हो रहा है, बट एक्चुअल में नेट ऐड होगा। ठीक है, सो कैपिटल इज 120, रमेश इज, देखो चेक करो, 220 हो गया। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इस एसेट को जब आप यूज कर लेते हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट? उसको अपन डेप्रीसिएशन बोलते हैं, द यूज पार्ट ऑफ द एसेट, राइट? क्या बोलते हैं उसको? यूज पार्ट। तो क्या होगा, फर्नीचर इज 40 है ना, इन्वेंट्री 20, कैश में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि यहां पे कैश रिसोर्स कम नहीं हो रहा है, एसेट रिसोर्स कम हो रहा है फर्नीचर वाला, ये भी खर्चा है। सो कैपिटल 1,10,000, रमेश 100, देखो 210 आ गया। सो इस तरीके से अपन को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आपके आ सकता है ये। This is how we are going to practice. You can get in exam. ठीक है,
तो इसी तरीके से और भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे, राइट. सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. थैंक यू.